Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine and good. Today we are going to start exercise 2C and our topic is operations on rational numbers. In previous exercises, we have discussed about what are rational numbers and how we can represent a rational number on a number line and how we compare two or more than two rational numbers with each other. And how we convert a rational numbers into an ascending and descending order, and how we can take a reciprocal of a rational number. In this exercise, we will discuss operations on rational numbers. Operations on rational numbers, we can apply the following operations on a rational number: addition, subtraction, multiplication, and fourth one is division. First of all, we will discuss additions, which properties we can apply on addition and multiplication and subtraction and divisions. These three properties we can apply on addition and subtractions. First one is closed, second is commutative, and third is associative. क्लोज प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई से भी दो रैशनल नंबर लें, उन दोनों को ऐड करें, तो जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा. रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से. ठीक है, फॉर एग्जांपल 5/3 प्लस 4/3 है. अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आपके पास 9/3 आएगा. अगर आप 5/3 और 4/3 को देखो तो ये दोनों रैशनल नंबर हैं. तो जो दोनों को ऐड करने से आंसर आया है 9/3, ये भी रैशनल नंबर है. ठीक है, तो जब दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें तो आंसर भी हमारे पास रैशनल नंबर आया है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं दैट इज़ क्लोज प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. नेक्स्ट वन इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और अगर उन दोनों नंबर का ऑर्डर चेंज कर दें, मींस अगर a प्लस बी है, a प्लस बी को ऐड करेंगे, और या b प्लस ए को, अब a और b का ऑर्डर अगर चेंज कर दें, a और b की तरतीब को चेंज कर दें, पहले b हम ऐड करें फिर a ऐड करें, तो दोनों का आंसर जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा. फॉर एग्जांपल 5/3 प्लस 4/3, दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर 9/3 आएगा. अगर राइट साइड पे हम 4/3 को पहले लिखें और फिर 5/3 को लिखें, दोनों को ऐड करें, तो अगेन आंसर हमारे पास क्या आएगा, 9/3 ही आएगा. तो ऑर्डर चेंज करने से अगर दो नंबर को ऐड करें तो आंसर जो है वो दोनों का सेम आएगा. तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम थ्री टर्म्स यूज करते हैं, थ्री नंबर्स यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी प्लस सी. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कोई से भी दो, या तो फर्स्ट टू को हम ऐड करेंगे, ठीक है, या हम लास्ट टू को पहले ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे मैंने पहले फर्स्ट टू को ऐड किया, लास्ट टू को ऐड किया है बी प्लस सी को, और राइट साइड पे मैंने पहले ए प्लस बी को ऐड किया है. ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है कि पहली जो आपने लेफ्ट साइड है उसमें या तो फर्स्ट टू टर्म को ऐड करें फिर थर्ड को ऐड करें, और राइट साइड पे आप लास्ट टू को ऐड करें या फर्स्ट को ऐड करें, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप लेफ्ट साइड पे पहले लास्ट टू को ऐड करें और फिर राइट साइड पे फर्स्ट टू को ऐड करें. दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है 5/3 प्लस 4/3 प्लस 2/3. अब इस वाली एग्जाम्पल में मैंने लेफ्ट साइड पे लास्ट टू को ब्रैकेट में किया है और राइट साइड पे फर्स्ट टू को ब्रैकेट में किया है. ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, आपने बोर्ड मास रूल जो है वो किया होगा. बोर्ड मास रूल में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को. 4/3 प्लस 2/3 को ऐड करेंगे, एलसीएम 3 आएगा. 4+2 क्या हो जाएगा, 6/3. 5/3 प्लस 6/3 को अगेन ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 11/3. इसी तरह राइट साइड को अगर आप देखो, 5/3 प्लस 4/3 है, ये दोनों पहले ब्रैकेट में है, आपने पहले ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करना है, एलसीएम 3 आएगा. 5+4 ऐड करेंगे 9/3 प्लस 2/3, अगेन इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 11/3. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी दोनों जो लेफ्ट और राइट साइड हैं दोनों क्या आती हैं, इक्वल आती है. ठीक है, इसमें सिर्फ हमने ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज करना होता है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज करते हैं कि पहले या तो हम फर्स्ट टू को ऐड करते हैं लेफ्ट साइड पे, फिर राइट साइड पे लास्ट टू को ऐड करेंगे. अगर हमने लेफ्ट साइड पे लास्ट टू को ऐड किया है तो राइट साइड पे फिर फर्स्ट टू को ऐड करेंगे और आंसर दोनों का क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, और सेम आएगा.
पेज नंबर 26 ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर. अभी हमने फर्स्ट एडिशन किया है. वन टू और मोर रैशनल नंबर्स आर एडेड, द सम इज आल्सो अ रैशनल नंबर. जब दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर भी रैशनल नंबर ही आएगा. देन वी से दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. इसी तरह पेज नंबर 27 पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी हुई है कि एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव, दैट इज ए बी बिलोंग्स टू क्यू when a plus b equal to b plus a. by adding the numbers in any order we get the same result. commutative property में क्या होता है कि जब दो number को add करें किसी भी order में तो answer जो है वो क्या आएगा, same आएगा. जैसे यहाँ पर example दी हुई है 2/3 plus 4/5 या 4/5 plus 2/3 करें, दोनों का answer क्या आएगा, same आएगा. next है पेज नंबर 28 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. एडिंग रैशनल नंबर्स इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन गिव द सेम रिजल्ट. यानी कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन में अगर हम रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. ठीक है, तो इट्स मीन कि वो रैशनल नंबर क्या है, एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो एडिशन में जो है रैशनल नंबर्स क्लोज भी होते हैं, उनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है. नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो आंसर में वही नंबर आए. ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उस नंबर में ऐड करें तो आंसर में आपके पास जो नंबर ऐड करें तो वही आना चाहिए. ठीक है, तो ज़ीरो, ज़ीरो एक ऐसा नंबर जिसमें किसी भी नंबर को ऐड करोगे तो आंसर आपके पास वही नंबर आएगा. तो ज़ीरो जो है वो हमारे पास क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी है. 1/5 प्लस ज़ीरो करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1/5. 2 प्लस ज़ीरो करेंगे आंसर क्या आएगा, 2. तो ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है. ज़ीरो को जिस भी नंबर में ऐड करेंगे आंसर में वही नंबर आपके पास आएगा. ठीक है, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, जैसे 2/3 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2/3. एडिटिव इन्वर्स में नंबर सेम होता है और साइन जो है वो चेंज हो जाता है. तो एडिटिव इन्वर्स ऐसा नंबर होता है कि अगर हम उसको किसी भी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए. ठीक है, जैसे -2/3 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स +2/3 है. 1/5 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, -1/5. जब दोनों काट होंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा. नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी की तरह है कि ऐसा नंबर जिसको जिस भी नंबर में मल्टीप्लाई करें आंसर में वही नंबर आना चाहिए. तो 1 जो है ये क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है. 1 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आंसर में वही नंबर आएगा. 1/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1/5, आंसर 1/5 ही आएगा. तो 1 जो है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है और 0 जो है वो कौन सी आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है. मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1/5 मल्टीप्लाई 5, यानी 1/5 है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स 5 होगा. या 5 है तो 5 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स 1/5 है. 5 और 5 कट होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1. एडिटिव इन्वर्स में आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आता है और मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स में आंसर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आता है. इसी तरह 2/3 है तो 2/3 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 3/2. 3/2 करेंगे तो 3 से और 2 से कट होकर आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह से -2/3 अगर हो तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स -3/2 होगा. ठीक है, -2/3 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स -3/2. 3 से कट होगा, 2 से कट होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1. माइनस माइनस क्या होगा, प्लस. पेज नंबर 27 में यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी आपको यहाँ हेडिंग दी हुई है. एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 1/5 इज 5 व्हेन अ नंबर इज एडिड टू इट्स एडिटिव इन्वर्स. जब किसी नंबर को उसके एडिटिव इन्वर्स में ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा. ठीक है, जैसे a प्लस 0 है तो आंसर क्या आएगा, a आएगा. a प्लस 0 करें या 0 प्लस a करें. द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इन्वर्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी. जब हम एक रैशनल नंबर और उसके एडिटिव इन्वर्स का सम करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आएगा. एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है. नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन. व्हेन टू रैशनल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड द प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर. If a b belongs to q, then a b belongs to q. कि जब दो रैशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा. तो दैट्स मीन कि दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, तो देयरफॉर रैशनल नंबर्स आर क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. जैसे हमने भी एडिशन में प्रॉपर्टीज तीनों डिस्कस किए हैं, इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन में भी हैं. सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा, एडिशन में प्लस का साइन होता है, मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई का साइन होगा. सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रैशनल नंबर्स आर कम
कम्यूटेटिव मीन्स ए बाय बी मल्टीप्लाई सी बाय डी करें या सी बाय डी मल्टीप्लाई ए बाय बी करें, ऑर्डर चेंज करें नंबर्स को और मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा, 3/4 प्लस 5/2 है, या 5/2 प्लस 3/4 करो तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इट्स मीन के यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, इसमें भी अगर हम ब्रैकेट्स का ऑर्डर चेंज करें तो आंसर जो है वो दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा, 6/7 मल्टीप्लाई 10/4 मल्टीप्लाई 3/5 इक्वल टू 6/7 मल्टीप्लाई 10/4 मल्टीप्लाई 3/5, दोनों लेफ्ट और राइट साइड को सॉल्व करोगे आंसर आपके पास सेम आएगा, 9/7 है 9/7। तो इस मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज प्रूव्ड। तो सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है, मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई का साइन आएगा और एडिशन में प्लस का साइन आएगा और बाकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम हैं। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों क्लोज भी हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी पेज नंबर 31 इज़ द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रैशनल नंबर इफ ए बिलोंग्स टू क्यू देन ए मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू ए। नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर में आपके पास वही नंबर आएगा। तो 1 जो है वो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, जिस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, इसी तरह से मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर 1/9 है तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 9 और 9 कट होंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये 9 है तो 9 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/9। तो व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इट्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स द आंसर इज 1। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, ए का 1/a, या 1/a है तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ए है। ठीक है, तो जब भी किसी नंबर को उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आएगा। पेज 27 पे दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन, व्हेन वन रैशनल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन अदर द डिफरेंस इज एन अदर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स आर क्लोज विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, यानी रैशनल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, मीन्स रैशनल नंबर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो वो जो है वो क्लोज्ड होती हैं रैशनल नंबर की। अगर आपने ए में से बी को माइनस किया तो जो आंसर आएगा वो रैशनल नंबर ही आएगा, लेकिन जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर आप ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करें और बी माइनस ए को सब्ट्रैक्ट करें तो दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल है 2-3, 3-2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे आंसर 1 ही आएगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 3 बड़ी अमाउंट है, राइट साइड पे भी 3 बड़ी अमाउंट है, राइट साइड पे 3 के साथ प्लस का साइन है तो आंसर के साथ भी प्लस का साइन आएगा, लेफ्ट साइड पे 3 बड़ी अमाउंट है उसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर के साथ माइनस का साइन आएगा। तो -1 नॉट इक्वल टू 1 है, तो इट्स मीन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करती। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करती है, 3 में से 2 को माइनस करेंगे आंसर -1 आएगा, -4 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और आंसर के साथ साइन किसका आएगा, बड़ी अमाउंट, 4 बड़ी अमाउंट है, 4 के साथ माइनस का साइन है तो 1 के साथ भी माइनस का साइन आएगा। अगेन ये -1 और -4 दोनों आपस में प्लस होंगे तो आंसर क्या आएगा, -5, यहाँ से दोनों साइन मल्टीप्लाई होंगे माइनस और माइनस तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, +1 में, तो 2+1 3 आ जाएगा, -5 और 3 और -5 आपस में इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करती है। इसी तरह से पेज नंबर 31 पे दिया हुआ है डिवीजन, कि डिवीजन भी जो है वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है, डिवीजन भी क्लोज्ड है। व्हेन अ रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नॉन जीरो रैशनल नंबर द क्वेश्चन इज अ रैशनल नंबर, कि जब एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर भी रैशनल नंबर ही आएगा। तो जो क्लोज प्रॉपर्टी है वो डिवीजन में भी होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन में भी होल्ड करती है, मल्टीप्लीकेशन में भी होल्ड करती है और एडिशन में भी होल्ड करती है, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में होल्ड करती है लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ साइन भी हुए हैं कि अगर एडिशन में दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं और दोनों के साथ माइनस का साइन है, ठीक है, -1 और -1, तो वो नंबर्स होंगे तो ऐड, इन 1 और 1 ऐड होकर आंसर क्या आएगा, 2, लेकिन आंसर के साथ जो साइन है वो माइनस का आएगा। ठीक है, जब सेम साइन वाले नंबर आपस में ऐड होंगे तो उनको हमने ऐड ही करना, उनका जो ऑपरेशन होगा वो एडिशन का होगा, लेकिन जो आंसर आएगा उसके साथ साइन कौन सा आना चाहिए, माइनस का। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास दो नंबर जो है, एक के साथ माइनस का साइन है दूसरे के साथ प्लस का साइन है,
तो दोनों पे जो ऑपरेशन होगा वो सब्ट्रैक्शन का होगा, ठीक है, वो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन आंसर के साथ जो साइन है वो बड़ी अमाउंट का आएगा। जैसे 5 बड़ी अमाउंट है, 5 के साथ प्लस का साइन है, तो आंसर के साथ भी प्लस का साइन आएगा, ठीक है। तो -1 + 5 होगा माइनस, ऑपरेशन माइनस का होगा, लेकिन आंसर के साथ साइन कौन सा आएगा, बड़ी अमाउंट का। इसी तरह से -5 + 1 है, एक टर्म के साथ माइनस का साइन है, दूसरे के साथ प्लस का साइन है, डिफरेंट साइन हो तो जो है वो दोनों क्या होंगे, आपस में माइनस होंगे, और आंसर के साथ साइन किसका आएगा, बड़ी अमाउंट का आएगा। सिमिलरली सिर्फ +5 + 5 हो, दोनों के साथ सेम साइन है और वो ऐड हो रहे हैं, तो ऑपरेशन एडिशन का होगा और आंसर के साथ साइन भी प्लस का आएगा। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, जब सेम साइन वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हों तो आंसर के साथ साइन प्लस का ही आएगा। माइनस और माइनस वाले नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, आंसर के साथ साइन प्लस का आएगा। प्लस और प्लस वाले नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, आंसर के साथ साइन प्लस का आएगा। लेकिन अगर डिफरेंट साइन वाले नंबर मल्टीप्लाई हों तो आंसर के साथ साइन माइनस का आएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में ध्यान रखना है कि जब नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और दोनों नंबर के साथ साइन सेम हो तो आंसर के साथ साइन जो है वो प्लस का आएगा। लेकिन अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साइन डिफरेंट है दोनों नंबर्स के साथ, तो जो आंसर के साथ साइन आएगा वो माइनस का आएगा। एडिशन में क्या होता है कि जब सेम साइन वाले नंबर आपस में ऐड होते हैं और आंसर के साथ वही साइन आएगा जो उन नंबर्स के साथ साइन होगा, ठीक है। माइनस और माइनस है, हो गए ये प्लस, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का आएगा। प्लस और प्लस है, होंगे ये प्लस, लेकिन आंसर के साथ साइन प्लस का ही आएगा। लेकिन अगर डिफरेंट साइन वाले नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हों तो उन पे ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का होगा, होंगे वो सब्ट्रैक्ट, लेकिन आंसर के साथ साइन बड़ी अमाउंट का आएगा, ठीक है। जो दोनों में से बड़ी अमाउंट होगी उसके साथ जो साइन होगा, आंसर के साथ भी वही साइन आएगा।